हे एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। सो, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं, फटाफट से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि हम फटाफट से अपने सेशन को शुरू करें। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए कि अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ सही चल रहा है। जल्दी से आ जाइए, इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर, जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। क्लियर है ना? ओके, राइट, ठीक है। चलिए, ओके ओके, चलिए। आ जाइए आ जाइए, ठीक है। थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद शुरू करेंगे। आज बेसिकली हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्लास है हमारी वो 1.5 घंटे से 2 घंटे तक जा सकती है। तो हम काफी सारी चीजों को टारगेट करने वाले हैं, सो बी श्योर कि सारे बच्चे आ जाएं और फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए। एक बार मैं मैसेज डाल देता हूं। ओके, सो चलिए सर, एग्जाम है 4 को सोशियोलॉजी का, बहुत टेंशन है। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, बस आप पढ़ाई करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। चलिए, सो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा जो आज का बेसिक टारगेट है वो लॉजिकल रीजनिंग है। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग में हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग को टारगेट नहीं करने वाले, नॉट ओनली लॉजिकल रीजनिंग, प्लस हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इंडियन लॉजिक के करने वाले हैं, ठीक है जी। किसके करने वाले हैं? इंडियन लॉजिक के भी करने वाले हैं। और दूसरा, हम जो क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं बेटा? वो PYQ हैं। कौन से क्वेश्चन हैं? सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं। तो आपको ज्यादा समझ आएगा, फिर वो चाहे इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन हो, चाहे वो अर्थापत्ति से क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो, आप उसे बड़ी आसानी से बना पाओगे। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पढ़ाता हूं, तो आपको पूरा कंप्लीट Paper 1 और Paper 2 एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में मिल जाते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो तलवील लाइव रेफरल कोड यूज करके। इस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा, साथ में आप अपने क्रेडिट्स को रिडीम करोगे तो 10% ऑफ और भी मिल जाएगा। और इस टाइम पे अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 मंथ का, तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही हैं, और नई क्लासेस जो न्यू कोर्सेज है वो 2nd of Jan से हमारे शुरू होने वाले हैं, ठीक है। न्यू ईयर से क्लासेस शुरू होंगी। उसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस, ठीक है, हमने इस महीने में काफी सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड किया है तो आप लोगों को पता होगा हमने वहां पे बहुत सारी चीजों को कवर किया है। कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो, चाहे आप फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, चाहे आप पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, हर प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश की जाती। उसके साथ ये कंप्लीट बैच है जिसमें मैं पूरा Paper 1 और Paper 2 कॉमर्स कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग की जो मैं बात करने वाला हूं, आप लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो जो आपका इंडियन लॉजिक है, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पोर्शन तो वो है जो आप लोगों का इंडियन लॉजिक का है, ठीक है जी। इंडियन लॉजिक का जो पोर्शन है उसको आप एक साइड पे कर दीजिए, और दूसरी साइड पे आप लॉजिकल रीजनिंग को रख सकते हो, जिसमें आपका आर्ग्यूमेंट वगैरह, फॉलेसीज वगैरह आती हैं, वो आप यहां पे कवर कर सकते हो।
तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों से मिला के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी साथ में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार अगर रेडी हो तो एक बार प्लीज मुझे सब बच्चे कॉमेंट्स में रेडी लिख दीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो करता हूं। उसी तरीके से आपने 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी से आ जाओ फटाफट से। यू आर रेडी? ओके, सो चलिए अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो स्टेटमेंट्स इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं जो दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती बट दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को काफी बार पढ़ाया है मैंने। ओके, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ए ए। ओके, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए होगा आंसर। लेट्स सी कि ए होता है या नहीं होता, कि जो इसका आंसर है वो ए होगा या नहीं होगा। बोला शक्तिमान, अच्छा शक्तिमान है, चलिए देख लेते हैं। जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब आप याद करो जो मैं आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ा रहा था उसमें इसने बोला कि दे कैन नॉट बी, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। मतलब अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगी, एक फॉल्स है तो एक ट्रू होगी, बट दोनों फॉल्स हो सकती हैं। अगर आप उस डायग्राम को याद करते हो, ए ई आई और ओ, तो यहां पे एक ऐसा रिलेशन था इन दोनों के बीच में जिसके बारे में यह था कि बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम, दोनों फॉल्स हो सकती हैं बट दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। इसको हम क्या नाम देते हैं, इस स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है बेटा कॉन्ट्रेरी। शक्तिमान की एग्जांपल दी थी कि अगर यहां पे शक्तिमान है तो इसका मतलब यहां पे नहीं होगा, बट अगर आपको यही नहीं पता कि यहां पे शक्तिमान है या नहीं है तो दोनों फॉल्स हो सकता है, दूसरी साइड पे गंगाधर हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। क्या नाम दिया जाता है इस स्टेटमेंट को, हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट का नाम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो होती है वो कॉन्ट्रेरी होती है, ये जो होती है इसके ऑपोजिट होती है जिसको आप सब कॉन्ट्रेरी बोल देते हो। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी बोल देते हो, कॉन्ट्राडिक्टरी बोल देते हो। और ये जो होती है इस साइड पे या उस साइड पे उसको आप सब अल्टर का नाम दे देते हो, ठीक है जी। चारों स्टेटमेंट के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं क्योंकि बहुत बार तो इनके स्टेटमेंट को बेस बना के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आई होप कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है वो आपसे सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, चलो इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि इसमें से ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो बोथ ट्रू हो सकती है बट बोथ कांट बी फॉल्स, अब इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे ट्रू तो हो सकती है बट फॉल्स नहीं हो सकती, अब ऑप्शन में से आंसर बताओ जल्दी।
क्या अब आपको इसका आंसर नजर आ रहा है? क्या आपको इसका आंसर नजर आ रहा है? राइट, यस। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर हो जाएगा सब कॉन्ट्रेरी, और सब कॉन्ट्रेरी में ये हो जाएगा सी और डी। राइट आंसर विल बी सी एंड डी। देखो एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने दो से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करवा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। हम हर क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम लगाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से अच्छे से आप लोगों के दिमाग में है वो फिक्स हो जाए। राइट, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलूंगा मैं इसको। इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए बेटा। ओके अन्वेषा, तुम्पा, सबा, ममता, सुजाता, इंशा, तबस्सुम, पूरन, आईवी, ममता, रिंकू, आयशा, अंजू, पियाली, कोमल, रजिया, शोभी, भाग्यश्री, शालिनी, नीलम, उर्मिला, सबा, गुरप्रिया, सॉरी गुरप्यारी, अनामिका, अदिति। काफी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं सी। ओके लेट्स जस्ट सब बच्चों का आंसर आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या आपका जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। ओके चलिए देख लेते हैं आपका आंसर। आपका आंसर सही है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों के सामने इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जब भी आप लोगों के सामने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला तरीका या सबसे पहला हिंट ढूंढने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या होता है? वो होता है कि आप इनको ना नीचे ऐसे लिख लो, ए बी सी एफ। पहला ये है, दूसरा है बी सी डी जी, फिर है सी डी ई और एच, और देन है डी ई एफ और आई। अब आप इसको इस तरीके से लिख लो, क्योंकि जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको इसमें हिंट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ए के बाद आ रहा है बी, बी के बाद आ रहा है सी, सी के बाद आ रहा है डी, तो डी के बाद क्या आएगा बेटा? ई आएगा। तो ई तो सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। बी के बाद आ रहा है सी डी ई, तो यहां पर क्या आएगा? एफ। ई के बाद एफ भी दोनों जगह पे है, जी। उसके बाद एफ के बाद आएगा जी, और आई के बाद क्या आता है? जे आता है या आई आता है? जे। राइट, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? इसका आंसर निकाल सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इसका क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। राइट, ये बेस्ट तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और नजर आएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना कि सर ए से बी सी डी, तो उसमें आंसर आ जाएगा बट कहीं ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये चीज डायरेक्टली समझ आए, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करें। तो हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट का मतलब कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को क्या कर सके? बना सके। कम से कम टाइम में हम उस क्वेश्चन को बना सके। राइट, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छलांग लगा के। अगला क्वेश्चन ये वाला, फालसी प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन ड्यू टू रेपिडेशन ऑफ साध्या बाय हेतु।
हेतु को साध्य के द्वारा रिपीडेट किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी, जो इसका आंसर है वो आप लोगों का विरुद्ध है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास फाइव टाइप्स की फालसीज होती हैं। अगर आप लोगों को ये सारी फालसीज को पढ़ना है तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा आप लोग इसी चैनल पे एक लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन है, 3-3.5 घंटे की मैराथन है, उसमें मैंने लॉजिकल रीजनिंग के आपको बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करवाया है, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर है। विरुद्धा का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब वो उसको क्या कर रही है, मतलब विरुद्धा को आप कॉन्ट्राडिक्ट भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट कॉन्ट्राडिक्टरी, क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब जो मिडिल टर्म है वो जो मेजर टर्म है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हेतु है वो साध्या को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो इस तरीके की जो फलसी होती है उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी फलसी का नाम दे देते हो या विरुद्धा की फलसी का नाम दे देते हो, ठीक है। ये पांचों फलसीज हैं और ये ना एज ही पूछी जाती हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना अगर आपने सिर्फ रूट लर्निंग भी कर लिया ना इसका, क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ पूछेंगे ही नहीं, वही पैट एग्जांपल्स हैं, वही तरीके हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा विरुद्धा क्या है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिंक बेटा आप सर्च करो, तलवीर सिंह सर्च करो और लॉजिकल रीजनिंग मैराथन लिखो साथ में, तलवीर सिंह लॉजिकल रीजनिंग लिख देना साथ में, आपको वो क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पे ही है, ठीक है, इसी चैनल पे, लॉजिकल रीजनिंग लिख देना साथ में बस। ऐसे सर्च करोगे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर सब बच्चों का आना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये आसान है। देखो, टू इन्फर रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, मतलब आपने कीचड़ वाला पानी देखा और उससे आपने क्या देख क्या सोचा, उससे आपने ये परसीव किया कि इससे पहले बारिश हुई होगी, इससे पहले क्या हुई होगी, बारिश हुई होगी। जब आपने बारिश को परसीव किया तो वो पूर्वावत है या शेषावत है, डेफिनेटली इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी शेषावत। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, जब हम अनुमान की बात करते हैं, मैं ऐसे करता हूं एक सेकंड, हां मैं यहां पे लिख देता हूं, जब हम बात कर रहे हैं अनुमान की, अनुमाना या अनुमान, तो अनुमान में आप दो चीजों को देखते हो, एक होता है कॉज और उसका होता है इफेक्ट। जब कॉज पहले आएगा और इफेक्ट बाद में आएगा तो उसको बोलते हैं पूर्वावत अनुमान, और जब इफेक्ट पहले आएगा और कॉज बाद में आएगा उसको आप क्या नाम दे देते हो, उसको आप शेषावत का नाम दे देते हो। एग्जांपल, इसकी एग्जांपल तो यही है, इफेक्ट पहले क्योंकि आपने वो कीचड़ वाला पानी पहले देखा, वो कीचड़ वाला पानी पहले देखा, इससे आपने गैस किया कि पहले बारिश हुई होगी। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप बादल को देख के, क्लाउड को देख के ये याद इमेजिन कर रहे हो कि आज रेन होगी, आज बारिश होगी, तिप तिप बरसा पानी, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पूर्वावत हो जाएगा कि पहले आपने कॉज देखा, पहले आप लोगों ने क्या देखा बेटा, पहले आप लोगों ने कॉज देखा, उस कॉज का इफेक्ट क्या होगा वो बाद में आएगा, पहले कॉज है उसका इफेक्ट है वो बाद में देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजें हैं यहां पर, कॉज अगर कॉज पहले आए तो आप उसको पूर्वावत समझोगे कि पहले कॉज आ रहा है, और शेषावत का मतलब पहले इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट से किसकी तरफ बढ़ रहे हो आप, कॉज की तरफ बढ़ रहे हो।
राइट, बताइए समझ आया? ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हर क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो शीट्स आएंगी आपकी, ठीक है, इस बार के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसकी शीट्स आएंगी ना, जब हम उसको सॉल्व करवाएंगे इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि जो वर्बल टेस्टिमोनी होती है, जो शब्द होते हैं उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। उनका जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है? ओके, सो ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है जो, देखिए ये है, पहले तो आप ये समझ लीजिए ये किसकी बात हो रही है, ये वर्बल टेस्टिमोनी की बात हो रही है। मतलब कि जब आप किसी के शब्दों पे भरोसा करते हो, अपता वाक्य, एक ऐसा पर्सन जो आपको जो बोलेगा आप उसकी बात पे भरोसा करोगे, तो उसका जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है, मैंने आपको उसका एक निमोनिक भी बताया था, क्या था, ए वाई एस टी, ए वाई एस टी, मतलब ए सबसे पहले आएगा और टी सबसे बाद में आएगा, एट को याद रखिएगा और वाई बीच में यस डाल दीजिएगा। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, आकांक्षा, सबसे पहले क्या आएगा, आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इंक्वायरी, क्या आपके वर्ड को इंक्वायरी बेस्ड जज किया जा सकता है। फिर आता है योग्यता, वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे। उसके बाद आता है सानिधि, उनका मीनिंग है जो निकाल रहे हो वही मीनिंग निकल रहा है। और देन आता है तात्पर्य, कि जो बोल रहा है बंदा उसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है। ये भी आपको लॉजिकल रीजनिंग में, जो इंडियन लॉजिक की पूरी क्लास थी उसमें मैंने ये आप लोगों को काफी बार पढ़ाया, उसमें आप लोगों को यह चीज काफी बार पढ़ाई है। आकांक्षा क्या होता है, योग्यता, सानिधि और तात्पर्य, इन चारों टर्म्स का अपना इंपॉर्टेंस है, इन चारों टर्म्स की जरूरत है। हां सानिधि क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला, सॉरी हां क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला वो, तो इन सभी चीजों के कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स पे आप लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर मीनिंग्स होते हैं और उन मीनिंग्स पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो मीनिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये पहले पे ए वाई एस और टी, इस तरीके से इसका क्या था बेटा, सीक्वेंस था, ए वाई एस टी इसका प्रॉपर क्या था, सीक्वेंस था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ना इसका ना ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से, बट चलो जो एनटीए ने आंसर दिया उसको लगाने की कोशिश करो। वैसे इसका ना ऑप्शन है वो एनटीए की तरफ से गलत आया था, इसके बोनस मार्क्स मिले थे सभी बच्चों को। इसके सब बच्चों को बोनस मार्क्स मिले थे, यस ठीक है। देखो वैसे तो इसका कोई आंसर यहां पे नहीं होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका जो हम एक निमोनिक बनाते हैं, निमोनिक नहीं मतलब आगे के वर्ड को अगर आप ऐड करते हो तो इस तरीके से होता है फोन, मतलब प्रतीजना, हेतु होता है रीजन, उदाहरणा
उपमान्याय और निगमना। ये क्या होता है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है एज पर न्याय फिलॉसफी। ये क्या है, दिस इज एज पर न्याय फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी का ये प्रॉपर सीक्वेंस है, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम न्याय फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी का ये प्रॉपर सीक्वेंस है, न्याय फिलॉसफी का ये प्रॉपर सीक्वेंस है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चन, मतलब प्रतिजना का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, ये एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, उसको प्रूव करने के लिए जो आप रीजन दोगे उसको आप हेतु बोल देते हो, उस रीजन के लिए जो एग्जाम्पल दी जाएगी उसे उदाहरणा बोल दिया जाता है, उसको फिर रीअफर्म किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रीअफर्म किया जाएगा, उसको उपान्याय बोल दिया जाएगा, और लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, निगमना। तो ये पांचों टाइप्स, पांचों जो वर्ड्स हैं इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, सो बी श्योर कि आप इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। ये पांचों चीजें आपको बहुत बार पूछी जाती हैं, सो बी श्योर कि आप इन पांचों चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर है जी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो बन जाएगा। देखते हैं आपका दिमाग कितना काम करता है इस क्वेश्चन को लेके, कितने लॉजिकल तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना पाते हो। ओके, सो ज्यादातर बच्चों का आंसर है कि सर इसका आंसर फ्राइडे होगा। ध्यान से समझना, वर्डिंग को समझना, द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे मतलब ये है टुडे, ये था यस्टरडे और ये डे बिफोर यस्टरडे। तो अगर ये फ्राइडे है, ध्यान से समझना, अगर ये फ्राइडे है तो आज क्या होगा, आज संडे है, ठीक है। पहले हमने आज का दिन पता कर लिया, इस लॉजिक से हमें पता चल गया कि आज संडे है, आज क्या है, संडे है, राइट। पहले हमने आज का दिन फाइंड आउट कर लिया जिससे हमें यह लॉजिकली पता चल गया कि आज क्या है, आज संडे है। उसके बाद आगे पढ़ो, व्हाट विल बी द थर्ड डे, तीसरा दिन After the day after tomorrow, मतलब एक तो tomorrow है, ये tomorrow, और tomorrow के एक और मारो तो ये हो गया, तो मतलब ये मंडे हो गया, ये ट्यूजडे हो गया, तो tomorrow और tomorrow के एक और मारो, यहां तक हम पहुंच गए। इससे तीसरा दिन एक दो और तीन, मतलब संडे से पांचवा दिन क्या होगा बेटा, फ्राइडे। खत्म, बस आप लोगों ने वर्डिंग को फिक्स करना था, उसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग चलना था। तुम्हारों के मारते रहो, एक 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 मारा यहां पे, एक मारा यहां पे, तीन दिन छोड़ा तो फिर यहां पे बात खत्म। तुम्हारो तुम्हारों के मारो और मारो, दो तीन चार पांच छह सात आठ दस मारो। लॉजिक समझ में आया ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन को देख के बच्चे बोलते हो सर ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक क्या है, उसकी वर्डिंग को समझो, वो वर्डिंग क्या है, वो जो समझा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख लो उसको सीक्वेंस, बस
फ्राइडे आ गया, ठीक है जी, लॉजिक समझ आया बेटा? लॉजिक क्या था? लॉजिक कुछ भी नहीं था, बस आप लोगों को आफ्टर द डे, आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के आफ्टर, परसों उसके अगले तीन दिन, बात खत्म, है ना। तो क्वेश्चन को ही मार दिया, क्वेश्चन को ही क्या कर दिया, मार दिया हमने। चलो अगला बनाओ, ये तो बहुत ही मतलब ये तो चौथी पांचवीं वाला बच्चा भी बनाएगा। अगर ये भी नहीं आता ना, फिर तो निकल लो यहां से। ट्यूसडे कहां से हो जाएगा, उससे अगले भी तो तीन दिन देखने हैं ना। ट्यूसडे कहां से आ जाएगा यार, कौन से लॉजिक से ट्यूसडे निकाल रहे हो? आता है जी, आता है हम सबको ये आता है, मिलके बोलो, आता है जी, आता है हम सबको ये आता है। अरे कुछ भी नहीं यार, फ्री में नंबर बांटे जा रहे हैं, ले लो ले लो ले लो। ये क्या हुआ है, ए ई आई ओ और यू, ये वोवल्स लिखे हुए, क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं वोवल्स, अंग्रेजी में होते हैं जी पांच वोवल्स, जिनके बिना कोई वर्ड नहीं बनता, बट ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो एक और वर्ड जिसको वो वाई या उसको भी वोवल मानते हैं, क्योंकि अगर आप वर्ड देखोगे ना, क्राई, ड्राई, स्काई, इसमें इस पांच वोवल्स के हिसाब से कोई वोवल नहीं आता, इस वजह से ये वाई को भी मान लेते हैं कि ठीक है भाई तुझे भी वोवल की श्रेणी में मान लेंगे। अब ये मानना शुरू में नहीं करना ना, सिर्फ आपको एक बात बताई है, हमने क्या माना है, हमने इन पांचों को ही वोवल माना है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी भाषा हमें यही सिखाती है कि पांच ही वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन, यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकली बनाया जा सकता है। इसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो वो बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को ना बहुत बड़ा डायग्राम बना के इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो इसका डायग्राम बनाते हैं, और कुछ होते हैं वो डायरेक्टली पढ़ के बना लेते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है जी, मैं आप लोगों को दोनों तरीके से सिखाऊंगा कि अगर डायग्राम बनाना हुआ तो कैसे बनाना है, ऑप्शंस को बनाना है तो कैसे बनाना है, जो आपका तरीका जो आपको सही लगे आप उसको बना लीजिएगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूं इस क्वेश्चन को बनाना। पहला तरीका क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ए बी सी डी लोग हैं, मतलब आप ये मान लो, मान क्या लेना, उसने ही बोला है कि चार लोग हैं, ए बी सी और डी, ठीक है जी, चार लोग हैं, चार लोग हैं। एक तरीका तो ये है जिससे गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, एक तरीका, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट इसमें गलती नहीं होगी। ए एंड बी प्ले फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, ठीक है जी, समझ आया। उसके बाद बी एंड सी फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी हो गया, बी एंड सी प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, सी क्या खेलता है,
बैडमिंटन एंड हॉकी। एक और गेम आ गई, सी एंड डी प्ले बैडमिंटन एंड टेनिस। बैडमिंटन भी आ गया और साथ में टेनिस आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहां से आएंगे। देखो, सी डज नॉट प्ले द क्रिकेट, ए और बी की बात हो रही है, नहीं देखेंगे। सी, सी क्या खेलता है, हॉकी और क्रिकेट। सी क्या खेल रहा है, बैडमिंटन और टेनिस। तो ये क्या बोल रहा है, डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो मतलब सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि सी क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो मतलब ए तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गई, राइट। लॉजिकली सिखा रहा हूं, जिसमें कोई गलती नहीं होगी, जिससे कोई गलती नहीं होगी। दूसरा, बी एंड डी बोथ प्ले टेनिस, टेनिस बी देखो टेनिस खेलता है, बी टेनिस खेलता है, बी टेनिस खेलता है। जब बी ही नहीं खेलता तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि डी खेलता है या नहीं, तो ये गलत है, तो बी को एलिमिनेट कर दो। बी यहां से एलिमिनेट हो गया, बी यहां से एलिमिनेट हो गया, ए डी ई, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है। आप दो ऑप्शंस को पढ़ के ही इसका आंसर दे सकते थे, समझ आया। अब आपको ये कितना समझ आया वो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने आपको एक क्विक वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया कि आप डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ो और ऑप्शन के बेसिस पे एक एक ऑप्शन को डिलीट करो और उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालने की कोशिश करो, समझ आया। सो दिस इज द वे हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप बहुत बड़ा टेबल बनाओगे, टेबल तब बनाया जाता है जब आप बैंक वगैरह के एग्जाम देते हो ना, जहां पर उस टेबल में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हम उस तरीके का टेबल बनाते हैं। जैसे आप यू नो पजल्स वगैरह सॉल्व करते हो, वहां पे हमें इतना ड्राइंग बनाने की जरूरत होती है, बट जब एक ही क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो कौन इतनी मेहनत करेगा, समझ रहे हो ना। हमें तो फटाफट ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन बनाना है, राइट। चलिए अगला प्रश्न, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लहलहाता हुआ, यह सब बच्चों को आना चाहिए। ये सब बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि ये एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन में से है। कभी देवदत्ता बोल देते हैं, कभी कृष्ण दत्ता बोल देते हैं, ये दत्ता के साथ इनको कुछ ज्यादा ही प्यार है। ओ दत्ता, हाय दत्ता, है ना, तो ये दत्ता के साथ कुछ ज्यादा प्रेम प्यार है इनको। है ना, कभी कृष्ण दत्ता, कभी दिव्या दत्ता। चलिए क्वेश्चन क्या था, फैट कृष्ण दत्ता, कि एक कृष्ण दत्ता है जो मोटा है, मतलब फैट का मतलब होता मोटा, आपको क्या ही बताना है, आपको तो पता ही है फैट का मतलब। आइदर ड्यूरिंग डे और नाइट, फैट कृष्ण दत्ता डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयर फोर फैट कृष्ण दत्ता ईट ड्यूरिंग नाइट। अब आपके पास ना इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, आपके पास इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे रहे हो। जब आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देने की कोशिश करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंप्लीकेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब अर्थ निकालना एज पर सिचुएशन, जिस तरीके की सिचुएशन है उस तरीके से आप क्या करते हो, उसको निकालते हो कि अच्छा यार ऐसा नहीं है तो ऐसा हुआ होगा, है ना, ऐसा। हां बिल्कुल, अजम्पशंस बोल सकते हो, यू कैन कि ये अजम्पशंस होगा, अजम्पशंस होगा, समझ रहे हो ना। जैसे आप अपने घर में जाओ, किसी दोस्त के घर में जाओ, और आप उसकी मम्मी बोल दे कि वो रूम में, और आप जाओ रूम में, तो आप क्या बोलोगे कि रूम में तो नहीं है, इसका मतलब वो बाहर होगा, यही निकालोगे। ये तो कभी नहीं बोल सकते कि वो नहा रहा होगा, क्योंकि जब तुम नहीं नहाते तो तुम्हारा दोस्त कहां से नहाएगा, और अगर दो नहाने वाले दोस्त बन गए तो फिर वो दोस्ती ही कैसी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम डिट्टो। बस एग्जांपल चेंज की गई है, नाम चेंज किया गया है, बाकी तो वही है, कुछ नया तो ऐड नहीं किया गया।
है ना, कुछ नया तो ऐड नहीं किया गया ना, सेम टू सेम वही चीज है। अलाइव दे देता इधर इन आउट, यही बताया तो मैंने अभी आपको वॉशरूम वाली एग्जांपल की, नहाने गया होगा। अब बोले सर नहाता कैसे वो, हम तो सर अगले साल नहाएंगे, है ना। कुछ तो आप में से ऐसे होंगे ना जो बोल रहे हैं कि सर अब तो अगले साल नहाएंगे। चलो अब इसको ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक है। मौखिक गवाही नहीं होती, शब्दा नहीं होता, ठीक है। ये गलती से हिंदी इसकी ऊपर नीचे हो गई है। इंप्लीकेशन मतलब अर्थापत्ति, वही आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस है कि इसके जो सर्कमस्टांसिस है उसको बेस बना के आप क्या करते हो, कंक्लूड कर देते हो, उसको बेस बना के आप क्या कर देते हो, उसका आंसर निकाल देते हो, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा पढ़ लेना यार, थोड़ा सा ना ज्यादा ही थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा सा स्क्रीन पे फैल गया है, देवदत्ता की तरह बहुत फैल गया है, बट चलो कोई बात, देखो फिर भी आंसर क्या होना चाहिए। फोर्थ नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर नहीं है, ठीक है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्सक्यूज मत देना सर फोर्थ नजर नहीं आ रहा, बेटा फोर्थ आंसर ही नहीं है, इस वजह से वो नजर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। चलिए ज्यादातर बच्चों का सही उत्तर आया है। देखिए परसेप्शन, देखो अब इसमें क्या कर सकते हो ना, मैं अगर मेरे सामने यह क्वेश्चन होता, वैसे तो मेरे सामने ही है, तो मैं वर्बल टेस्टामनी को देखता, वर्बल टेस्टामनी का किसी शब्द, किसी पर्सन के, बंदे के शब्द, स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो मैं क्या करता, मैं डी को तीन से मिला देता। तो अगर मैं डी को तीन से मिलाऊंगा तो यहां से ही मेरा आंसर है वो आ जाना चाहिए। तो मैं ए को किससे मिलाऊंगा, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, नॉन इरोनस कॉग्निशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेंस, सेंस ऑर्गन से आप लोग समझ सकते हो कि जो आपकी परसेप्शन क्रिएट होती है वो किससे होती है, वो सेंसेस से ही होती है। तो इसको आप इसके साथ मिला दोगे, वर्बल टेस्टामोनी को आप इसके साथ मिला दोगे। इन्फर का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड इट्स डेनोटेशन, ठीक है। उसके बाद आप बी को वन के साथ मिला दोगे, ये वाला कॉग्निशन हो जाएगा, और सी को टू के साथ मिला, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसी को भी एक ऑप्शन के साथ मिलाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को, जरूरी नहीं होता कि सारा क्वेश्चन आपको आता है तभी वो बनेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से नॉलेज मिल रही है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, तो भी उस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है बच्चे, बनाया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है, अब दिमाग चलेगा तो बन जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो नहीं बनेगा। हेलो जी, हेलो, राम राम। बी, ओके, ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं सर बी होगा, चलो देख लेते हैं बी होगा या नहीं होगा। ओके, सो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर बी होगा, वो कैसे बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में जो मेन लॉजिक था उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। लॉजिक इसमें क्या है, देखो 5, 4, 9, 7, 2, 9, 9, 9, 18, तो इसका सम आ रहा 18, 18 मतलब 1 और 8 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, 6, 3, 9, 9, 6, 15,
तो 15 का मतलब 1 + 5 6 के बराबर होगा। 7 + 5 = 12 + 8 = 20 20 + 4 = 24 24 है तो 2 और 4 6 के बराबर होगा। और 9 + 2 = 11 और 10 = 21 21 का मतलब 2 + 1 = 3 तो जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये लॉजिक उस टाइम पे आपके दिमाग में आया तो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आया तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा, फिलहाल के लिए आप आगे चले जाइएगा ठीक है जी। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता है कि यार मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू वेस्ट यूर टाइम, जस्ट फोकस ऑन द अदर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। बाकी क्वेश्चन पे क्या करना है, हमें फोकस करना है। अगर हम फोकस करेंगे तभी इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकेंगे, बना पाएंगे। अदरवाइज हम इस तरीके के क्वेश्चन को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं और आगे के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाओ। एंटीथेटिकल टू वेदास, वो कौन से स्कूल हैं जो वेदास को नहीं मानते। ऐसे कौन से स्कूल हैं जिसमें यह बोला गया है कि हम वेदों में जो लिखा हुआ है उसको हम सच नहीं मानेंगे। मतलब ये अथीस्ट थे एक तरीके से बोल सकते हो कि भगवान को ना मानने वाले, जो वेदों में लिखा हुआ है उसको ना मानने वाले। आस्तिक नहीं, नास्तिक, नास्तिक की बात हो रही है, अथीस्ट, यस नास्तिक थॉट ऑफ स्कूल बिल्कुल। ओके सो ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आया है, ज्यादातर बच्चों ने ये स्कूल टाइम पे भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो तीनों है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म और चरक, ये तीनों ये आप लोगों के वेदों के एंटीथेटिकल थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो ये वेद, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था ना, जो वैदिक एजुकेशन की थी वहां पर ये बोला जाता था कि जो वेदों में लिखा हुआ है ना वो सच है, मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। वट एवर इज रिटन इन द वेदास दैट इज एब्सोल्युटली 100% ट्रू। बट यहां पर ये ऐसे स्कूल थे जो बोलते हैं कि नहीं, हम वेदों की लिखी हुई बात को नहीं मानते हैं, हम उसके अलावा के जो थॉट प्रोसेस है, हमारी अपनी जो कॉग्निशन है, हमारा अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीजों को क्रिएट करेंगे और हम उन चीजों पे क्या करेंगे, भरोसा करेंगे ठीक है जी। हम ये नहीं है कि सिर्फ जो वेदों में लिखा हुआ है ठीक है, जो लोग उसको मानना चाहते हैं माने, बट हम उस चीज को नहीं मान रहे, हम अपने हिसाब से चीजों को समझेंगे, हमें जो सही लगेगा हम सिर्फ उस बात पे भरोसा करेंगे, हम सिर्फ उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे राइट। सो ये थे हमारे तीन स्कूल जो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन, मिडल और माइनर का रिलेशन बताया हुआ है, ये तीनों का एक एक रिलेशन होता है ठीक है, मिडल का माइनर के साथ, मिडल का मेजर के साथ, उसी तरीके का माइनर का मिडल के साथ। यस, ज्यादातर बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो जो मिडल और माइनर के बीच में रिलेशन है, जो मिडल और माइनर का रिलेशन है उसको क्या नाम दे दिया जाता है,
धर्माता, ये मैंने आपको तीनों रिलेशन है वो एक क्लास में बताए थे, इन तीनों रिलेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था, आई होप कि आपने वो तीनों रिलेशंस है उसको क्या किया होगा, हाँ वो याद रखा होगा, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी पीवाई क्यू ही है तो आप समझ सकते हो, जैसे ये व्याप्ति है, मिडल और मेजर के बीच में रिलेशन होता है, ये कौन सा होता है, मिडल और मेजर के बीच में हो गया, माइनर और मेजर के बीच में ये वाला परमार्श। अगला क्वेश्चन, उपान्याय बताना है आपने किस चीज को बोलते हैं, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए इसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वही पांच टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। उपान्याय को बोलते हैं, देखो ये है, ये सेम सीक्वेंस लिखा हुआ है, वही पी एच यू यू एन, ये है द हिल हैज फायर। प्रतीजना मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, ये वो वाली स्टेटमेंट है जिसको आप क्या करना चाहते हो बेटा, इसको आप प्रूव करना चाहते हो, बिकॉज इट हैज स्मोक, तो ये क्या है, हेतु, ये उसको प्रूव करने के लिए आप रीजन दे रहे हो, ठीक है जी। उसको प्रूव करने के लिए रीजन दिया जा रहा है, वट एवर हैज अ स्मोक हैज फायर, ये क्या दिया जा रहा है, उदाहरणा। उदाहरणा का मतलब यहां पर क्या होता है, एग्जाम्पल, जो कि यूनिवर्सल एग्जाम्पल होती है। ये जो एग्जाम्पल होती है वो कौन सी एग्जाम्पल होती है बेटा, वो यूनिवर्सल एग्जाम्पल होती है जो पूरी दुनिया में उस चीज को क्या करते हैं, उसकी बात की जाती है। और दस, The hill has smoke which is invariably associated with the fire. अब ये इसी एग्जाम्पल की, ये जो एग्जाम्पल दी थी ना, इसी एग्जाम्पल की यहां पर एप्लीकेशन है। आप ये मान लीजिए जो एग्जाम्पल होती है वो यूनिवर्सल होती है, बट जो उपान्याय होता है उसी यूनिवर्सल एप्लीकेशन की उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर चीज में क्या होता है, उस चीज को रिलेट किया जाता है, राइट। और देयर फॉर दिस हैज फायर, इसका मतलब कि इसमें फायर है, दैट मींस डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ई तो निगमना है ना बेटा, ई तो कंक्लूजन है, ई में तो कुछ है ही नहीं ना, ई तो कंक्लूजन है। कुछ बच्चे 10 और 5 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 12 और 10 बोल रहे हैं, तो जो बच्चे 12 और 10 बोल रहे हैं वो एक साइड पे आ जाएं, जो 5 और 10 बोल रहे हैं वो दूसरी साइड पे चले जाओ, क्योंकि 5 और 10 वालों तुम्हारा गलत है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना, इसमें ये जो 60 है ना, सारी गेम इसकी है, इसको 2 से भाग किया तो ये आएगा, इसको 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा, इसको 4 से भाग करेंगे, इसका मतलब 5 होगा और 6 होगा, तो मतलब 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 बनेगा, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 बनेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 12 और 10, राइट। बात समझ आई,
दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पूरी की पूरी गेम किस पे चल रही थी? 60 पे चल रही थी. 60 को अगर आपने सॉल्व कर लिया, अगर आपको समझ आ गया कि यार पूरी की पूरी गेम 60 पे चल रही है, तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा. राइट, बात समझ आया? तो मैथ के भी क्वेश्चन आपको आसान ही आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं. कोई कोई क्वेश्चन होता है कई बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है. राइट, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा. इनहेरेंट कॉज कॉरस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द कॉज गिवन बाय अरिस्टोटल. ये आप लोगों को मैंने समझाना है, ये एक नया टॉपिक है. अच्छा यार, इसमें एक पोल का ऑप्शन भी होता है ना. एक सेकंड, नहीं अच्छा मैं अपने चैनल पे कर सकता हूँ ना, यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा. अपने चैनल पे पॉसिबल होगा, यहाँ पर नहीं होगा. चलो कोई बात नहीं. तो ये जो है वो आप लोगों का मटेरियल कॉज होता है. अब जो अरिस्टोटल है ना बेटा, उसने चार तरीके के कॉज दिए थे, समझ लेना. इस टॉपिक, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, इस वजह से इसको ध्यान से पढ़ लेना. देखो, द नॉलेज ऑफ अ थिंग बियॉन्ड इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजैलिटी और फोर कॉजेस. किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए चार कॉजेस की जरूरत होती है. सबसे पहला होता है मटीरियल कॉज, फिर आता है फॉर्मल, फिर एफिशिएंट कॉज और फिर फाइनल कॉज. मतलब मटीरियल सबसे पहले आएगा, फाइनल सबसे बाद में आएगा, फॉर्मल सेकेंड पे आएगा और देन एफिशिएंट आएगा. ठीक है, पहले तो ये चीज आप लोगों ने याद रखी. ठीक है जी, तो मटेरियल कॉज का मतलब है द सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग इज मेड, कि जिस चीज से वो बना हुआ है. किसी भी चीज के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो मटेरियलिस्टिक लेवल पे वो किस चीज के साथ बना हुआ है. जैसे घर की बात कर रहे हैं तो घर किससे बना है? लकड़ी, ब्रिक्स, नेल्स. नेल नाखून नहीं, नहीं, मतलब ये जो सारा मटीरियल है वो मटीरियल कॉज होगा, मतलब वो सारे सब्सटेंस जिससे किसी चीज को बनाया गया है. नाखूनों से बनाया गया क्या है ना? किसके घर की बात कर रहे हैं? डॉगी के घर की बात कर रहे हैं क्या? चलो, तो पहला मटेरियल कॉज हो गया. फिर मटेरियल के बाद उसको क्या किया जाएगा? उसको फॉर्मल बनाया जाएगा. फॉर्मल का मतलब शेप्स द मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट को एक शेप देता है. फॉर्मली एक चेस, एक मतलब एक प्रॉपर सेंस में दे दिया जाता है, स्केच और ब्लूप्रिंट. मतलब घर बनेगा कैसे? ईंट, पत्थर, बजरी, रेता, ये तो ले आए, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बना दिया. जो ब्लूप्रिंट बना है वो किसकी बात कर रहा है? वो फॉर्मल कॉज. फॉर्मल मतलब उसकी फॉर्म क्या होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, उसको आप क्या नाम दे देते हो बेटा? फॉर्मल कॉज. वी कॉल इट फॉर्मल कॉज. हाँ, उसके स्ट्रक्चर की बात की जाती है. देन आता है एफिशिएंट, इट्स मेकर एंड बिल्डर. कौन बना रहा है एफिशिएंट? किसके एफर्ट से बन रहा है? द कारपेंटर हु बिल्ड इट. किसके द्वारा बनाया जाता है घर, है ना? घर तो मां बनाती है बेटा. मां से पहले मिस्त्री भी होता है, जो घर की शेप बनाता है, जो घर बनाता है, मां तो उसे संभाल के रखती है. तो एफिशिएंट कॉज का मतलब हुआ द कारपेंटर, जो उस घर को बना रहा है, उस मिस्त्री की बात हो रही है. और लास्ट में आ जाएगा पर्पस. फाइनल कॉज का मतलब वो किसके लिए बनाया है? घर रहने के लिए बनाया हुआ है. घर तो मंदिर होता है, इस तरीके से. सो ये चारों चीजों को दिमाग में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, इस वजह से मैंने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है. चारों चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए. अगर दिमाग नहीं है तो कॉपी में बिठा लीजिए, अगर कॉपी भी नहीं है तो तुम्हारा क्लास लेने का कोई फायदा भी नहीं है. चलिए, तो याद कीजिए, चार कॉज है. सबसे पहले मटेरियल आएगा,
फिर फॉर्म आएगी, फिर एफिशिएंसी आएगा और फिर फाइनल कॉज आएगा। एम एफ ई एफ याद रहेगा, बोलो क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देखो इसमें आपका नाम आ गया पहली ही ऑप्शन में, अब किसका है वो आपको पता होगा। क्या हुआ, वीडियो चल रहा है क्या, बंद हो गया? चल रहा है, चल रहा। देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, नेचर को बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग चीजों के नेचर को क्वेश्चन बना के पूछा गया। देखो सबसे पहली ऑप्शन में आपका जिक्र हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मजाक कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखो। ऑल फ्लाइट स्नेक क्रॉल, उल्लू उड़ान भरेगा और सांप क्या करेगा, क्रॉल रेंगेगा। तो जैसे उल्लू फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उल्लू भी जहाज में बैठने लग गए क्या, फ्लाइट का मतलब यहां पर उड़ने से है, ऐसा नहीं कि सर उल्लू भी जहाज में बैठने लग गए क्या। तो उसी तरीके से जो स्नेक होता है वो रेंगते होते क्रॉल होते जाता है, जैसे ऑल है वो उड़ के जाता है। तो ए को टू से मिलाएंगे, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा बेल और चाइम, मतलब बेल के वो गले में होती है ना घंटी वो वाली, तो इसको किसके साथ मिलाएंगे, थंडर, थंडर से क्या बात आवाज आती है, रोर वाली। उसके बाद जैसे नाइफ काटेगा तो जो स्वॉर्ड है वो स्लॉट स्लॉटर करेगी, और फार्मर है वो क्रॉप है, और उससे तरीके से डायरी फार्मर के पास मिल्क होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, डायरेक्टली आप लोगों ने क्या करना है, उस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करनी। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप होता है जो आपने समझना होता है। मैंने बताया ना, तुम्हारी जिंदगी में कोई रिलेशन हो ना हो, एनटीए वाले तुम्हें हर जगह पे रिलेशन की बात करेंगे, तुम्हारे जख्मों पे नमक क्या पूरा पैकेट खोल देंगे। तो इस तरीके से हमें एनालॉगी के क्वेश्चन को क्या करना होता है, बनाना होता है। चलो अगला क्वेश्चन तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेट्स सी कितने बच्चों को इसका आंसर आता है। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो राजा तक्ष थी, तक्ष के नाम पे बनाई गई थी, जो अभी कहां पे है, रावलपिंडी में चली गई है, उसमें एडमिशन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए थी, 16 साल, 16 साल का बच्चा, और आजकल 16 साल के बच्चे निब्बा निब्बी बने घूमते हैं, और उस टाइम पे एडमिशन के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए थी, 16 साल। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत है, 16 साल के स्टूडेंट को क्या मिलती थी, एडमिशन, कितनी साल उम्र होनी चाहिए थी, कम से कम 16 साल का बच्चा ही एडमिशन ले पाता था, है ना, ऑब्वियसली बात है। आजकल उस उम्र में लोगों के दिल टूट रहे होते हैं, जब हमारा पेंसिल का सिक्का टूटता था, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई देखते ही देखते। तो चलिए इसका तक्षशिला, मैंने आप लोगों को एक क्लास में डिटेल में पढ़ाया था तक्षशिला के बारे में, उम्मीद है कि आप लोगों को वो याद होगी, और नालंदा में 20 साल वाला था, नालंदा में 20 साल थी, राइट, वो वाला, हाँ नालंदा में 20 साल थी, वो गोविंदा वाली एग्जाम्पल से आप लोगों को मैंने याद करवाया था, यहां पर 16 साल, यहां पर 16 साल की बात हो रही है।
अरे इसी वजह से तो गवर्नमेंट ने लड़कियों की उम्र 18 से 21 की है, यह भी एक रीजन है कि आजकल चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो रही है, तो गवर्नमेंट को भी इसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, मैंने सारी यूनिवर्सिटीज को आपको कहानी के थ्रू पढ़ाया था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उदंतपुरी, काफी सारी थी। देखो ये क्वेश्चन ना ज्यादातर बच्चे तुक्का ही मार के आए थे, क्योंकि जब मैंने पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा था ना, उसके बाद मैंने भी तुक्का ही मारा था। अच्छा किसी को लॉजिक, यस दैट्स द लॉजिक, यस राइट। एक्चुअली में इसका जो आंसर आएगा वो टी आएगा। एक्चुअली में क्या है, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन, तो उसके बाद क्या आएगा, टन टना टन 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 टारा, टी फॉर टेन, राइट। अब पेपर में इतना दिमाग हमारा नहीं चलता है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम होता भी नहीं है कि हम इतना दिमाग चलाएं, तो कुछ तरीके के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर समझ आ गया दैट इज वेल एंड गुड, और अगर समझ नहीं आया तो आगे चलते। राइट, यस, कुछ भी। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। मैं हैरान हूं एनटीएस से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हद है मतलब। चलो इसका आंसर करो, लो ये एनटीए ने क्वेश्चन पूछा था, तब ये पूछा था, ये पूछा था। एज फादर, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम लोग कि हमें इतना भी समझ नहीं आएगा। एज फादर हैज फाइव सन्स, नेम ऑफ फोर सन्स एम ओ क्यू एस। अरे यार यहां पे एम एन ओ पी दे देते तो शायद कोई बच्चा फंस जाता क्यू में। एक तो आगे पीछे की ऑप्शन दे रखी है तो बच्चा वैसे ही नहीं इसमें जाएगा, और दूसरी बात है ये ही तो बोल दिया है, इस फादर की बात हो रही है तो ए ही होगा। ये पीवाईक्यू है बेटा, ये पेपर में पूछा गया है, ए के पिता के पांच बच्चे, मतलब इतना तो दिमाग होगा ना हमारा भी। है ना, इतना तो होगा कम से कम कि यार इतना तो सोच पाए हम कि अच्छा ये आंसर आएगा। चलो क्या कर सकते हैं आप एनटीए। अब अगला क्वेश्चन, सवाल के नाम पे मजाक किया जा रहा है। ओके, सो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है बेटा। व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शन
के एम्बिट से बाहर है वो होती है निर्विकल्प। निर्विकल्प का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को का सिर्फ ओवरव्यू देखते हो ऊपर ऊपर से है, जब आप किसी चीज का ओवरव्यू ही देखते हो, उस चीज को ऊपर ऊपर से ही देखते हो, तो उसको आप निर्विकल्प परसेप्शन प्रत्यक्ष बोल देते हो, निर्विकल्प। और जब उसको फिर आप डिटेल में पढ़ते हो, उसके फीचर्स को चेक करते हो, व्हेन यू स्टडी द फीचर्स, जब आप उसके एक एक फीचर्स को स्टडी करते हो, जब आप उसके एक एक फीचर्स को स्टडी करते हो, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सबविकल्प। सबविकल्प का मतलब सारी चीजों को स्टडी करना ए टू जेड। अब वो इस सर्विकल्प में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, सर्विकल्प या सविकल्प जो कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, ये स्टेजेस है, मतलब ये पहली स्टेज है और ये दूसरी स्टेजेस है, दीज आर द स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। चलो अगला प्रश्न, आज ही सिखाया इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, काफी सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। लेट्स सी, जब तक सारे बच्चों का आंसर आता है फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। ओके, देखिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, ए सी और ई, एफ एच और जे, के एम ओ। एक तरीका तो यहां पे आपको नजर आ रहा था ये वाला, कि ई के बाद एफ आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, तो ओ के बाद पी आएगा। एक तरीका तो यह, या फिर ये देखो, ए के प्लस पांच होगा एफ, एफ जी एच आई जे के प्लस फाइव, एल एम एन ओ पी प्लस फाइव। यहां से भी आप निकाल सकते, दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते थे। प्लस फाइव हो रहा है, उसी तरीके से यहां पे भी चेक कर सकते थे, यहां पे भी जो ऑप्शन आप चेक करना चाहते हो वो चेक कर सकते थे, आपका आंसर आ जाता। बस याद रखिए, हमें इस तरीके से नीचे की तरफ लिख लेना ऑप्शंस को, जब आप नीचे की तरफ लिख लेते हो तब आपका आंसर सही आ जाता है, ठीक है जी। क्या पेंटिंग बनाई है, चलो ठीक है जी, समझ आ गया। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसको नजर नहीं आ रहा बेटा रिफ्रेश कर लो, जिसको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा एक बार फटाफट से रिफ्रेश कर लो। यस, देखिए इसमें अगर आपको ज्यादा नहीं पता ना, तो जो अभाव का कंसेप्ट था वो न्याय फिलॉसफी में है,
अनुपलब्धि का वेदांता ने दिया था, अपोहा का बुद्धिज्म में था और स्यायवाद का जैनिज्म। अब ये एज इट एज स्कूल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर स्कूल के कुछ फीचर्स हैं, उन सारे स्कूल्स के फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो हैं कुछ क्वेश्चन, ये तो रहन दो, ये वाला बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राइट देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, सम की बात हो रही है, जो पॉजिटिव वाला होता है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम डी आर ई, सम ई आर एफ, जो कुछ भी बोल सकते हो। तो सम के केस में आप लोगों को पता है कि ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यस और नो? ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक्चुअली में होता है कैसे है, ध्यान से समझना। जब ऑल का केस होता है तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेडिकेट नहीं होगा। जब नो की बात होगी तो सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लस प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब सम की बात होती है तो ना तो नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। और जब हम बात करते हैं सम नॉट की तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। राइट समझ आया? यह टॉपिक मैंने आप लोगों को काफी बार पढ़ाया है पहले भी, आई होप कि आपको याद होगा, आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा, अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हम इस चीज के बारे में काफी बार बात कर चुके हैं। एक बार नहीं, हमने इस टॉपिक को काफी बार सॉल्व किया है, काफी बार हमने इसको समझा है। क्लियर है जी? चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है बट इसका लॉजिक ही पकड़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, अगर नहीं समझ आया तो कह ही नहीं सकते कुछ। जो बच्चे 96 बोल रहे हैं वो गलत है, आंसर 80 है।
एक्चुअली में क्या है, देखो जीरो जीरो आठ चौबीस और अड़तालीस। अगर आप गैप देखते हो, यहां पर आठ का है, यहां पर सोलह का है और यहां पर चौबीस का है, तो ये गैप है वो आठ का है, ये गैप भी आठ का है और यहां पर भी गैप आठ का होगा, मतलब बत्तीस। तो अड़तालीस और बत्तीस अस्सी, 80 इज द राइट आंसर। एनटीए की तरफ से भी 80 ही आंसर लिया गया, 80 इज द राइट आंसर। लॉजिक समझ में आया कि 80 कैसे आया? राइट चलो, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और फटाफट से कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जल्दी कमेंट्स में सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं, जल्दी। कल भी बेटा शाम को क्लास है हायर एजुकेशन की, कल हायर एजुकेशन की क्लास होगी। हाँ, कल हायर एजुकेशन को पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक चीज को इसी तरीके से 25 से 30 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। देखिए जो गलत हुए हैं उनको भी सही करने की कोशिश कीजिए, जो गलत हुए हैं उनको सही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी? चल ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहो और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।